और मध्य प्रदेश में पहले तकरीबन 3 महीने तक ये सवाल बना रहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। हालांकि बीते 2 जुलाई को इस सवाल पर फुल स्टॉप लग गया, लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा आखिर कब होगा। दरअसल 2 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह की नई टीम बनने के बाद से लेकर अब तक उनके मंत्रियों में कामों का बंटवारा नहीं हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह है? विभागों के बंटवारे में जो पेच फंस रहा है उसका कारण सिंधिया समर्थक मंत्री है या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? बीजेपी के दिग्गज मंत्रियों की वजह से ही विभागों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन विभागों का बंटवारा कब होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। शिवराज की नई टीम तैयार होने के 8 दिन बाद भी मंत्रियों को उनका महकमा नहीं मिल सका है। ये स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ भी मंथन कर चुके हैं, लेकिन अब तक महकमों पर मुश्किल बनी हुई है। वैसे इस मुश्किल की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो कट्टर समर्थक 6 मंत्री माने जा रहे हैं, जो कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, यानी तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी और इमरती देवी। इस तरह की खबरें हैं कि जो विभाग कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक इन मंत्रियों के पास थे, वही विभाग इन्हें वापस दिलाने के लिए जोर आजमाइश है, और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ये सभी उन विभागों को अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर अहम विभाग सिंधिया समर्थक मंत्रियों को मिल जाएंगे तो फिर बीजेपी के जो दिग्गज मंत्री हैं वो बड़े महकमे से वंचित रह जाएंगे। शायद यही वजह है कि शिवराज के 33 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका है। मंत्रिमंडल में फिलहाल जो 33 सदस्य हैं उनमें 14 पूर्व कांग्रेसी हैं और उनमें भी 11 मंत्री सिंधिया समर्थक हैं। वहीं मंत्रिमंडल के बाकी बचे 19 सदस्य बीजेपी के हैं। बहरहाल अब सबकी नजर विभागों के बंटवारे पर है। देखते हैं 1-2 दिन में महकमों को लेकर मुश्किल खत्म होगी या फिर मंथन अभी और लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।